हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम हमारी सीरीज क्रिकेट स्टोरीज में आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ लाजवाब स्टोरीज लाते हैं, तो आज की स्टोरी भी एक लाजवाब स्टोरी है। और ये स्टोरी है दाऊद इब्राहिम और कपिल देव से रिलेटेड, तो ये चीज इस स्टोरी को और भी खास बना देती है। तो दोस्तों, ये बात है 1987 की, जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में एक फोर टीमों की सीरीज चल रही थी। टीम इंडिया के खिलाड़ी शारजाह में अपने ड्रेसिंग रूम में थे, तभी ड्रेसिंग रूम में आप पधारे दाऊद इब्राहिम। पर दाऊद इब्राहिम के ड्रेसिंग रूम में आने के थोड़ी ही देर बाद कपिल देव भी ड्रेसिंग रूम में आए और उन्होंने देखा कि दाऊद इब्राहिम ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पास खड़े हैं। तो कपिल देव ने दाऊद इब्राहिम को बाहर निकाल दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आउटसाइडर्स को जो है ड्रेसिंग रूम में आने की परमिशन नहीं थी, बाहर का कोई भी आदमी ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं आ सकता था। उसके कई सालों बाद कपिल देव ने एक फंक्शन में बताया कि उस समय वो नहीं जानते थे कि वो आदमी दाऊद इब्राहिम है। पर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दिलीप बेंगा सरकार ने भी एक फंक्शन में ये कबूल किया था कि दाऊद इब्राहिम जिस भी छोटे से समय के लिए ड्रेसिंग रूम में थे, उस समय में उन्होंने इंडियन प्लेयर्स से कहा था कि अगर तुम लोग ये सीरीज जीत जाते हो तो मैं तुम सबको एक टोयोटा की कार दूंगा। पर सभी इंडियन प्लेयर्स ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। बात करें सीरीज की तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीनों के ही पॉइंट सेम थे, पर ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट था इंडिया और इंग्लैंड से बेटर, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने उस सीरीज को जीत लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी वीडियो बनाऊं तो जरूर से कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचा दीजिए। जय हिंद।